दोस्तों, कैसे हो आप? फिर से आपको मेरा चैनल से फिर एक नया एपिसोड के साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज का जो मैं खाने वाला हूँ, आज का आप वो जो उड़ीसा में मतलब घर घर में फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे जो समोसा उसको हमारे उड़ीसा भाषा में बोलते हैं सिंगाड़ा, सिंगाड़ा बोलते हैं उसको, बोलते हैं ये उसको बोलते हैं पियाजी, ये वो उसको बोलते हैं आलू चॉप। दोस्तों, आपका उधर ये मिलते हैं ये जो सिंगड़ा और चॉप और वो जो मतलब सिंगड़ा चॉप और प्याजी, आपको आपका उधर मिलता है कि नहीं मिलता है ज़रा कमेंट में बताइएगा। ये उड़ीसा में वो जो समोसा है ना, उसको उसको सिंगड़ा को हमारी मतलब ये जो मतलब समोसा है ना, उसको उड़ीसा भाषा में बोलते हैं सिंगड़ा, उसको पियाजी, उसको आलू चॉप। ये ना आलू का चॉप है, आलू उसमें बेसन में तेल में फ्राई करके बनाते हैं। आपने दोस्तों ये आइटम कभी खाया कि नहीं खाया ज़रा कमेंट में बताएगा। तो मैं अभी खाने चालू कर रहा हूँ, बस। बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये सिंगड़ा और प्याज और जो आलू चॉप आपका उधर मिलता है नहीं मिलता है ज़रा प्लीज़ चैनल में कमेंट ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा बना हुआ है ये समय, ये सिंगड़ा बहुत अच्छा हुआ है और बहुत खाने में बहुत टेस्टी है। अगर कभी आप उड़ीसा आएंगे जगन्नाथ पुरी धाम, तो ये सिंगड़ा या चॉप खा के जाना, बहुत अच्छा आइटम है। उसको इंडिया में सब जगह बोलते हैं समोसा, लेकिन उड़ीसा में बोलते हैं उसको सिंगड़ा। अरे प्याजी, ये भी बहुत अच्छा था, अच्छा भी आइटम है। उसको प्याज में बेसन मिला के तेल में फ्राई करने हैं, उसको बोलते हैं प्याजी। अच्छा आइटम है, बहुत अच्छा है, टेस्टी मस्त, बहुत मस्त है। दोस्तों, ये आलू चॉप, आलू में उसको बेसन और फ्राई करते हैं तेल में, आलू चॉप ये बहुत अच्छा हुआ है, एकदम फेवरेट, मेरा तो फेवरेट बहुत है, बहुत फेवरेट आइटम है। दोस्तों, ये सिंगड़ा, आलू चॉप तो प्याज आपका उधर मिलता है कि नहीं मिलता है, आपने अब कभी खाया कि नहीं खाया या प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
दोस्तों दोस्तों आप मेरा भी जितना व्यूअर्स है, मैं जितना नया व्यूअर्स है और पुराना व्यूअर्स है, और जो जो भी नया मेरे चैनल में आने चाहते हैं, मैं सबको अपने दिल से और सबके पास शुक्रिया गुजार हूँ आपने हमारे चैनल को पसंद किया। और जो आपने जो इतना सारा प्यार दिया मेरा चैनल को, मैं भी आपके आजीवन भर आभारी रहूँगा। और जो नया अभ्यास आने वाले हैं सबको, और पुराने वाले सबको, मैं वो तो मेरा ड्यूटी है, यही विनती करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका आशीर्वाद इस चीज़ पर रहेगा तो मैं हर बार नया नया वीडियो डालते रहूँगा, और इसी तरह प्यार हमेशा तरह आप मेरे को देते रहे। दोस्तों फिर एक नया वीडियो के साथ अगले एपिसोड में आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए रखता हूँ, नमस्ते, जय जगन्नाथ पुरी, बाय।